ऑर्केस्ट्रा संचालक और उसकी पत्नी ने ऑर्केस्ट्रा में काम कर रही लड़की को बंधक बनाकर पीटा। खबर है पूर्वी चंपारण सुगौली से, जहां सुगौली थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध रूप से ऑर्केस्ट्रा म्यूजिकल ग्रुप के कारण सामाजिक माहौल बिगड़ रहा है, तो वहीं इनके अड्डों पर शाम ढलते ही अपराधियों का जमावड़ा लग जाता है। जानकारी के अनुसार इनके कब्जे में मानव तस्करी कर लाई गई लड़कियां बड़ी संख्या में बंधक के रूप में हैं और सुगौली थाना क्षेत्र में एक नहीं बल्कि दर्जन भर ऑर्केस्ट्रा म्यूजिकल ग्रुप का संचालन खुलेआम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। लड़कियों को जबरदस्ती रात भर डांस कराया जाता है, जिसके विरोध करने पर उन्हें विभिन्न प्रकार की प्रताड़ना दी जाती है। ऑर्केस्ट्रा के कारण ही लगन में बराती और सराती के बीच मारपीट होना आम बात है। जब मामला बिगड़ जाता है तो पुलिस की परेशानियां बढ़ जाती है। बीते दिनों ऑर्केस्ट्रा की एक लड़की को सब म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के संचालक और उसकी पत्नी द्वारा रूम में बंधक बनाकर रात भर पिटाई करने का मामला सामने आया है, जिससे लड़की का शरीर बुरी तरह जख्मी हो गया। आरोपी पर कार्रवाई को लेकर सुगौली थाना में आवेदन देकर पीड़ित लड़की ने गुहार लगाई है। कहाँ से आ रही थी कि मारपीट हुआ? हमने प्रोग्राम करके आ रहे थे और अनिल गुप्ता और उनकी वाइफ संजना गुप्ता, राजा यादव सब मिल करके मेरे साथ मारपीट किया, जोर जबरदस्ती किया। कहाँ पे मारपीट किया, कहाँ से आ रही थी प्रोग्राम करके? बिशनपुरवा चौक पे मारपीट किया और जगह जगह छील छाल दिया, बहुत सारा मारा। और उसके बाद जो है कि हम पैसा था 9,000-10,000 रुपया, वो छीन लिया। और चैन था कला में पहने हुए थे, वो छीन लिया, बहुत मारा। मेरे पास में जो है कि उसके बाद हम यहाँ आ रहे हैं।